ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC एजेंट आईडी को लेकर। आप लोग एजेंट आईडी कैसे ले सकते हैं, जिसके मदद से आप लोग अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं और इसके बाद सेल भी कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक करते हैं और इसके बाद सेल करते हैं तो एक इनलीगल है। वही आप एजेंट आईडी ले लेते हैं, इसके बाद टिकट सेल करते हैं तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं आने वाला है। तो आप लोग एजेंट आईडी कैसे ले सकते हैं और एजेंट आईडी लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट है, आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल पर। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं IRCTC एजेंट आईडी को लेकर, आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो एजेंट आईडी लेने के लिए आप लोगों को काफ़ी सारे कंपनी जो है तो प्रोवाइड करता है एजेंट आईडी। एजेंट आईडी लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, इसके बाद पैन कार्ड चाहिए, इसके बाद जहाँ पे आप शॉप खोलने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि जहाँ पे आपको शॉप है वहाँ का एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस के लिए आप बिजली बिल दे सकते हैं या फिर रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी न्यू चाहिए जो IRCTC पे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो IRCTC पे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, और प्लस में मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है, IRCTC की वेबसाइट पे आ जाना है। IRCTC की वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे IRCTC एजेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ जाएगा IRCTC ऑथराइज एजेंट, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी कंपनी यहाँ पे IRCTC एजेंट आईडी सेल करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम, ईमेल आईडी और इसके बाद मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 से 4 एजेंट को आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद यहाँ से आपका रेट का पता कर सकते हैं, कितने में एजेंट आईडी सेल कर रहे हैं। कुछ है अलग अलग रेट होता है सबका, 1 साल के लिए बेचता है, कोई 2 साल के लिए होता है, रिन्यूअल चार्ज क्या है, तो इसका प्लान के बारे में आपको पता कर लेना है। इसके बाद आप बिल्कुल आसानी से एजेंट आईडी ले सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल आसानी से आप अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं, इसके बाद सेल भी कर सकते हैं। सेल करते तो आप लोगों के साथ किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। और यदि आप AC टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पे 40 रुपये पर्सन मिल जाएंगे, और नॉन AC टिकट बुक करते हैं तो 20 रुपये पर पर्सन आपको कमीशन देखने को मिल जाएंगे, और प्लस 1% PG चार्ज मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग एजेंट आईडी लेकर टिकट सेल करके लाखों महीने कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।